ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कास्ट की, इसमें कुछ कास्ट हैं जो कंट्रोलेबल हैं, कुछ हैं अनकंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल कास्ट को हम कहते हैं कि वो जो हमारे अपने कंट्रोल में है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हद तक जिनका स्कोप है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी कास्ट को हम कम कर सकते हैं। कुछ कास्ट के कंपोनेंट अनकंट्रोलेबल है, टैक्स फैक्टर, टैक्स के रेट ज़्यादा हो जाएं, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं, या और इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, वो सारी की सारी वो कास्ट हैं कि जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का उस तरह से कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी कुछ नॉर्मल कास्ट हैं, कुछ एबनॉर्मल कास्ट हैं। नॉर्मल कास्ट में जो एक नॉर्मल रूटीन के अफेयर्स बिजनेस के चल रहे हैं, उस टाइम पे जितनी कास्ट बेयर करनी पड़ रही है उनको कहते हैं एबनॉर्मल कास्ट। कोई अनयूजुअल हैपनिंग की वजह से जो कास्ट के कंपोनेंट आपके अराइज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो अब एबनॉर्मल कास्ट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स कुछ को हम कहते हैं कैपिटल, कुछ को कहते हैं रेवेन्यू। कैपिटल वो होते हैं जो कि जिन कास्ट का, जिन कंपोनेंट्स का बेनिफिट आपको मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड मिलता रहता है, जो आपके ओवर द इयर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने जितने एक्सपेंसेस किए होते हैं, रजिस्ट्रेशन के, बाकी आपने मशीनें परचेज की हैं, आपने कोई जो लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट परचेज किए हुए हैं, जिनके फर्नीचर है, मशीनें हैं, जो सारी इस तरह की गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी कास्ट होती है, वो कैपिटल कास्ट है। बट जो एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, जो पीरियोडिक कास्ट जिनको हम कहते हैं कि जो एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जिसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, उन कास्ट को हम कहते हैं कि वो रेवेन्यू का। डेफर्ड कास्ट, रेवेन्यू कास्ट जो है उसका ही होता है कि डेफर्ड लाइबिलिटीज या डेफर्ड कास्ट या डेफर्ड एक्सपेंसेस वो कास्ट होते हैं कि जिनके बारे में हम, जिनको थोड़ा फ्यूचर कोर्स अफेक्शन के साथ लिंक करके उनको हमने डिले किया होता है। कास्ट एक्युमुलेशन के अंदर जो कास्ट या कास्ट अर्निंग की जो शीट हमने, कास्ट शीट देखी थी, उसके अंदर जो हमने चीज़ें देखी थी वो बेसिकली यहाँ पे आती हैं कि प्राइम कास्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और अगर मैंने आपको कहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो उसके अंदर आएंगे। इसी तरह से प्रोडक्शन कास्ट, प्राइम कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को एक्युमुलेट करें तो वो प्रोडक्शन कास्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन कास्ट एज ए सेड अर्लियर, कन्वर्जन कास्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, द कास्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड गुड्स। टोटल कास्ट तीनों कंपोनेंट को जब हम टोटल कर देंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल कास्ट है। प्रोडक्ट के टोटल कास्ट जितनी भी उस प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक, जितने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम कहते हैं कि ये उसकी कास्ट है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सारी चीज़ें मिला के उसके बाद हम सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन उसमें अपना ऐड करेंगे और फिर वो हमारे पास टोटल कास्ट बन गई, या सॉरी सेल प्राइस बन गई। पीरियड कास्ट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जब कास्ट की बाइफरकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक फाइनेंशियल पीरियड के साथ रिलेटेड जितनी भी कास्ट के कंपोनेंट होंगे उनको हम कहते हैं कि वो एक पीरियड कास्ट है, एक साल की कास्ट है। ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस दे आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड कास्ट एंड चार्ज एज एक्सपेंसिस व्हेन दे आर इनकर्ड, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक वैल्यूएशन। या टेक्निकलिटीज इसकी हम थोड़ा थर्ड फोर्थ चैप्टर में जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस और कंपैरिजन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हमने स्टार्ट में बात की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं एग्रीगेट्स की, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो होती है वो जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स नहीं है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। इसी तरह इट रिपोर्ट्स ऑन पास्ट ट्रांजैक्शंस टू ड्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फॉर्मेट आर गवर्नड बाय लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हम मीट करते हैं जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग के अंदर ये होता है कि इन हाउस जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लोग हैं, उनके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है एज वेल एज आउटसाइड पार्टी, और इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है कास्ट कंट्रोल मेजर्स कैसे अप्लाई करने हैं, सेलिंग प्राइस कैसे रखनी है, और वो जो बाकी हमने कास्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। और इसकी सिवाय दो चार रिपोर्ट्स के बाद की जो है वो आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि हमने उसको कैसे लेके चलना है। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक कास्ट के कॉन्सेप्ट्स थे, जो
कि प्राइम कास्ट क्या होती है, कन्वर्जन कास्ट क्या होती है, कास्ट के कंपोनेंट्स में तीन कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, उनको लेके हमने कैसे चलना है, और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है उनको हमने सबको इसमें डिस्कस कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग के अंदर इसकी कास्ट का ब्रेकअप और वो सारी